finally भीड़िया out हो चुकी है Oh, I loved it. I loved it. Original concept hai and original story hai. So of course we should always appreciate and we should go and watch original concept wala movies. Abhi to sare remake bante hai. So this is something original. So we should go and watch and it's amazing. I liked it. Amazing. Super. इससे अच्छा choice हो ही नहीं सकता था. Varun was amazing. I mean as a choice of media, too good. Okay, Varun and Pritiya back together after the well. What to say on this? Amazing. I love them. मतलब अगर आप देखने जाओगे तो इट्स अ लवली मूवी एंड इट्स वेरी नाइस केमिस्ट्री बिटवीन देम. जो देखेगा उसको समझ में आएगा. इट्स एन अमेजिंग मूवी और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड अभिषेक बैनर्जी, दीपक दोबरियाल, इनके बारे में तो कुछ मतलब बोलना ही मतलब वो है. दे आर लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. टू गुड. एब्सोल्युटली टोटली नया स्टोरी है. ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है. सो ये ऐसी चीज़ हम हॉलीवुड में देख चुके हैं एज अ एज मूवीज़ या सीरीज़. बट कोई भी हॉलीवुड या सीरीज से कॉपी नहीं है. दिस इज समथिंग टोटली ओरिजिनल और टोटली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है. आई एम श्योर जो भी देखेगा उसको पसंद आएगा. ये डायरेक्टर ऑफकोर्स दिस गाय स्लेज एनी वे. जब हम स्त्री देख चुके हैं ऑलरेडी दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, कम्प्लीटली न्यू. और ये भी दिस आर ऑल बेस्ड ऑन हिज स्टोरीज आर ऑल बेस्ड ऑन फोकलोर. इससे पहले भी स्त्री भी एक फोकलोर पे है. ये वाला भी अरुणाचल प्रदेश में एक फोकलोर था पहले, लाइक अबाउट अ वेयरवुल्फ. सो ऑफकोर्स दिस अ कम्प्लीटली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट. वो फोकलोर लेके उसने ये स्टोरी बनाया है. सो इट्स टू गुड. एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी. इट्स टू गुड. श्रद्धा कपूर का सॉन्ग में एंट्री ऑफकोर्स इट्स देर आर मोर एंट्रीज इस मूवी में. अगर जो देखेगा उसको समझ में आएगा. आई विश से पीपल टू वॉच इट. सो इट लीव्स यू इन पार्ट टू ऑफ स्त्री और पार्ट टू ऑफ वरुण ऑफ भेड़िया. कुछ ऐसे हमको ऐसे नोट पे छोड़ के जाता है. सो वी आर वेटिंग फॉर समथिंग मोर. 4.9. इट्स अ वन टाइम वॉच. डेफिनेटली वन टाइम वॉच. क्योंकि म्यूजिक जो म्यूजिक है इस मूवी का सचिन जगत का बहुत अच्छा है. और मूवी में बहुत सारे एंगेजिंग मोमेंट्स हैं. हालांकि बीच में थोड़ी स्लो पेस्ट हो जाती है तो मुझे बीच में कम ग्रिपिंग लगी. और एडिटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते थे. तो जो इसके एडिटर संयुक्ता कजा, जिन्होंने तुम्बड़ मूवी भी एडिट की थी, मुझे लगता है और एडिटिंग और क्रिस्प हो सकती थी. बट नेवरदलेस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है. नया कॉन्सेप्ट है. सॉन्ग्स बहुत अच्छे. म्यूज़िक बहुत अच्छा है. और उसके साथ साथ हॉरर भी है और कॉमेडी भी है. तो बहुत अच्छा यू नो एक तड़का लगाया है. बहुत बढ़िया. आई थिंक वरुण इज रिमार्केबल एंड ही हैज़ डन सो मेनी वाइड रेंज ऑफ रोल्स. जुग जुग जियो में अलग तरह का कॉमिक रोल. उनका कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छा है. एक्शन मूवीज़ में बदलापुर देख लीजिए. तो हर मूवी में वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं. ये मूवी में भी द वे ही ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम यू नो ही इज़ बिन बिटन बाय अ वॉल्फ एंड वो वॉल्फ बन जाते हैं. और वो यू नो फियर, एंग्जाइटी और बीच में यू नो कन्फ्यूजन, बहुत अच्छा गमट ऑफ इमोशंस दैट ही हैज़ पोर्ट्रेड. अमेजिंग. देखिए कृति का ज़्यादा रोल नहीं है बट क्लाइमैक्स में बहुत अच्छा लगा उनको देख के. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच. मुझे मज़ा आया मूवी देख के. हाँ श्रद्धा तो आई थिंक वो थुमकेश्वरी गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट हो गया है. और थुमकेश्वरी गाने के साथ साथ अपना बना ले एक सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है. और एक और सॉन्ग है जंगल में कांड. ये तीन गाने मुझे बहुत अच्छे लगे. तो म्यूज़िक सचिन जिगर का बहुत अच्छा है. डायरेक्शन बहुत अच्छा है. जिष्णु भट्टाचार्य जी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही स्टनिंग है. 3D इफेक्ट्स और अच्छे हो सकते थे. मुझे ड्रॉबैक यही लगा कि कुछ पोर्शंस बहुत स्लो पेस्ड हैं और एडिटिंग और अच्छी हो सकती थी. आई वुड से 2.5 से 3 स्टार आई वुड गिव टू द स्टोरी. हाँ मैं 3 स्टार तक दूंगा बिकॉज ऑफ वरुण धवन. उन्होंने अपने रोल बहुत अच्छे से प्ले किया तो कमेंडेबल. या बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखनी चाहिए. यूनिक स्टोरी है और सबका कमाल का काम है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा काम किया है. एकदम फाड़ू काम किया है. ज़बरदस्त. हाँ बहुत बढ़िया. इट्स टू मच फन. और कृति सनन ऑलवेज आई लव यू. डायरेक्शन बहुत कमाल का है. बहुत यूनिक स्टोरी है. बहुत डिफरेंट है. फैमिली के साथ देखनी चाहिए मूवी. सबको अवेयरनेस एक सीख मिलती है कि हम लोग नेचर के साथ कैसे कनेक्ट रह सकते हैं. हाँ बहुत बढ़िया. गाने तो बहुत अच्छे हैं. सारे गाने अच्छे. 5/5. ऑल द बेस्ट. बहुत बढ़िया काम है. बी कंटिन्यू. बढ़िया मूवी है मैडम. बढ़िया फर्स्ट क्लास.
देखो आजकल जितनी भी आई हैं क्या नाम है, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र और ये चुप, और अभी आई है दृश्यम 2, इसकी अलग स्टोरी है, सबकी फिल्मों की अलग अलग स्टोरी आ रही है। तो इस डायरेक्टर ने लेकर अपनी स्टोरी लेकर अलग बनाई है, बढ़िया स्टोरी लेकर बनाई है, इंटरेस्टिंग, इमोशनल भी है, थ्रिलर भी है, कॉमिक भी है, गाने भी अच्छे हैं। जंगल में कांड हो गया। हाँ, वो इसमें मैं वरुण धवन जी ने मेहनत बहुत की इसके अंदर, और जो उनकी जो पहली फिल्में आई थी ना उनसे अच्छी मेहनत की इसमें। दोनों बढ़िया लग रहे थे दोनों, स्टोरी बढ़िया है। मतलब हर मैडम अगर आप फिल्म बनाओगी तो अपनी मतलब की स्टोरी लेके बनाओगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आदमी किसी स्टोरी लेके बनाए उसका डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्टोरी लेके बनाओ पिक्चर, क्या बात हुई। हाँ, वो तीन गाने हैं उसके अंदर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगा, उस जबान पर बैठ जाता है, जंगल में कांड हो गया। देखो मैडम, मुझे फिल्म के अंदर कोई कमी तो नज़र नहीं आई, तो फिर 5 में से 5 देने पड़ेंगे। फॉर मी इट वॉज अ नाइस वॉच टोटली, क्योंकि मैंने ये सब मूवी बहुत टाइम के बाद देखा था। VFX इज गुड, वरुण धवन इज ऑल टाइम गुड, द अदर कैरेक्टर्स हु हैव प्लेड द रोल दे आर ऑल्सो वेरी गुड। लॉन्ग ब्रेक, या दे लुक टुगेदर गुड। तो अरे मैं वो देखना मिस कर गया क्योंकि जल्दी जल्दी में था, सो आई हैव नॉट सीन द सॉन्ग, या लेकिन यूट्यूब पे देखा हुआ है, इट्स गुड। इट वॉज नाइस स्टोरी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था एंड देन आफ्टर इट टुक द ग्रिप, बट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। 4.5 out of 5, नथिंग एज सच, इट वॉज अमेजिंग। लास्ट मूवी में वो दिलवाले में साथ थे और उसके बाद वो मूवी से ये मूवी इज़ बेस्ट, बहुत अच्छी। नहीं, श्रद्धा कपूर नहीं है मूवी में, जो लास्ट में लिंकअप है वो राजकुमार राव के साथ है, उस पर रही। आई गिव 5 on 5, वेरी नाइस, अमेजिंग, 5 on 5, आई एम टेलिंग यू इट वॉज वेरी अमेजिंग। पिक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये आपको फर्स्ट शो देखना ही चाहिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी थिएटर हाफ फुल था, VFX वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई, जैसे कि VFX के हिसाब से जो ट्रोल किए जा रहे हैं उस हिसाब से नहीं है, और वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो कहते हैं इस ओवर एक्टर और गुड एक्टर नहीं है, उनको ज़रूर ये पिक्चर जाके देखनी चाहिए। और एज़ यूजुअल कृति सैनन इज स्टनिंग, शी इज़ फैबुलस, और जो अभी सर है, दीपक सर है, अमर सर का डायरेक्शन, सचिन सर के सॉन्ग्स वगैरह मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे। ओके, मैं कहूँगा बस बस। नहीं, उनका जो कॉम्बिनेशन, जो उनका पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मूवी में बहुत अच्छा इमोशनल बैलेंस वगैरह किया हुआ है, बहुत अप्स एंड डाउन्स दिए हुए हैं सॉन्ग्स वगैरह, और स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है पिक्चर का। बस थैंक यू सो मच। 4.5 स्टार्स मैं ज़रूर दूंगा इस पिक्चर का। ओवरऑल स्टोरी, लाइक आपको एक स्टोरी ग्रिप होता है ना, वो ग्रिप करके रखेगी मूवी को, लाइक आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा भली, बट लेकिन फिर भी आपको स्टोरी पकड़ के लगेगी कि नहीं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और बहुत अच्छी लगी मेरे को। जो भी मेरे व्यूअर, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको बस इतना कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूवी देखिए, 3D में देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। मूवी अच्छी है, स्टोरी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उसके लिए मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगी स्टोरी के लिए बस। लेकिन राइटिंग अच्छी हो सकती थी, राइटिंग थोड़ी सी मुझे पुअर लगी, वीक लगी। वरुण हर मूवी में, हर कैरेक्टर उनका एक ही जैसा रहता है, तो इसमें भी नो डाउट मुझे कुछ अलग देखने नहीं मिला, बट ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। पर कॉमेडी की बात करूँ तो जनार्दन बैनर्जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ही स्टील्स अवे द शो। हाँ, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया गया, वही मुझे डिसअपॉइंटिंग वही लगा, जबकि कृतिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो अगर उन्हें भी ज़्यादा टाइम मिलता, स्क्रीन टाइम मिलता, तो वो बकायदा बहुत अच्छी चलती मूवी। हाँ, वो एक्चुअली एक तो सिनेमैटिक यूनिवर्स जो अमर कौशिक हमें दिखाएंगे, फॉर्चुनेटली अभी देखते हैं सब, 2 कैमियो भी है, मैं नहीं बोलूँगी किसके हैं किनके हैं, वो तो लोग आके देखें। तो या
स्टोरी बहुत फ्रेश लगी बॉलीवुड के लिए. मैं कहूँगी कि बॉलीवुड में एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों ने देखा नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट, रीमेक वगैरह से थोड़ा अलग लगा, रिफ्रेशिंग लगा, सो इट वॉज गुड. काफ़ी बढ़िया मूवी थी, मज़ा आ गया देख के, इट वॉज रियली नाइस. और जो गाने वाने थे और जो सिनेमेटोग्राफी और VFX काफ़ी अच्छे थे. अरे माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, एज एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा मतलब, लेकिन अच्छा निकला, आउटपुट अच्छा निकला. मूवी वॉइज क्वाइट गुड एंड द थिंग इज दैट कि मूवी में ना एक मैसेज भी दे रहा है नेचर को लेके. सो अगर मूवी देखने के लिए आप जाओगे तो बेसिकली वो नेचर के रिलेटेड कुछ बता रहा है. एंड एक चीज़ और है उसके अंदर कि अगर लोग देखेंगे ना तो जो हमारे लोकल लैंग्वेजेस है उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि किसी भी मतलब कोई भी अगर स्टेट से कोई पर्सन आ रहा है तो उसको ऐसे क्रिटिसाइज मत करो कि यार तू ऐसा दिखता है, तुझे ये लैंग्वेज नहीं आता. सो ये मूवी में दो तीन तरीके VFX एंड ऑल, स्टोरी एंड ऑल इज लिटरली वेरी लाइक द थिंग इज़ वेरी डिफरेंट इज हियर. एंड द पॉइंट इज दैट कि अगर हम दो तीन चीज़ों के ऊपर देखें ना तो सोशली बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मैसेज दे रहा है मूवी. अभी ये सॉन्ग के अंदर बेसिकली वो उनका दिखाया नहीं है वैसा है एंड पूरा ट्विस्ट किया है उसके अंदर. सो होप सो देखते हैं अभी उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा. आई थिंक 5 out of we can give around 4.5. माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री, द सॉन्ग वाज को देख के प्यार होता है. अपना बना इज द माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, मतलब लिटरली नेचर के साथ में जो उन्होंने दिखाया ना, आज हम लोग को फील कर रहे हैं हम लोग भी जाके नेचर में घूम के आते हैं. वो वाइब आएगा लिटरली मूवी देखने के बाद ना, वो अलग ही वाइब आएगा. मूवीज देखो, अच्छा है मूवी, एक बार देख लो, जाओ, मैसेज अच्छा मिला है मूवी का, एक बार देख लेना प्लीज सब लोग. अगर डीपली देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे. बहुत अच्छी फिल्म है, फर्स्ट शो, यू कैन सी माय एक्साइटमेंट लेवल तो ऑब्वियसली. वरुण का जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दिखाया ना, द वे ही एक्टेड, द वे ही परफॉर्म, द वे ही मूव्ड, इट्स अमेजिंग. आई मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस फिल्म से, जिस हिसाब से इन्होंने इस मूवी को, जिस लेवल पे ये मूवी को लेके गए, इट्स अमेजिंग. वरुण, वी लव यू इफ यू आर वॉचिंग मी. या आई मीन देयर केमिस्ट्री इज ऑलवेज नाइस एंड दे वर लुकिंग रियली नाइस, बट The way the chemistry is shown, like मैं कोई spoiler नहीं देना चाहती क्योंकि मैं बोलने जाऊँ तो बहुत कुछ बोल दूँगी, पर हाँ, one should come and must watch. Overall story, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि it's a very unique storyline and ऐसा है कि इंडिया में है this kind of stories, are like लोग believe करते हैं इस type की stories में and इस type की चीज़ें बहुत कम देखने मिलती हैं इतनी अच्छी graphics के साथ. So I think it's kick-ass, dude. It's very nice. It's amazing. Okay, so that's the scene. I missed the first entry because I was little late. So I missed that part. But yeah, I watched it like the song ended and then I entered. So I can't comment on that. Kitne mein? As usual, 4.8. Actually, Varun is everyone's favorite, but if I say my favorite is Abhishek Banerjee, because he has done a really nice job in this film. So, yeah. Oh my God. Oh!